हाँ तो कैसे हो बैंटन के सुपर फैंस। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है गाइस, इसका मैंने पार्ट वन आपको गाइस मैंने बता दिया था गाइस। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो गाइस आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप गाइस पार्ट वन देखो, फिर आप पार्ट टू देखना, जिससे आपको मेरे मतलब ये जो पार्ट टू आपको गाइस पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के गाइस शाउट आउट विनर है, तो गाइस आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो गया होगा उनका नाम। तो गाइस मैंने अपना नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूछा था कि मतलब लास्ट में एकदम पूछा था कि ये बैंटन का कौन सा एलियन है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस ये कौन सा बैंटन एलियन है। तो गाइस बैंटन में जो एलियन है गाइस वो है अल्टीमेट कैनन बोल्ड। तो गाइस काफ़ी लोग ने गाइस सही सही आंसर दिया था, तो गाइस को इसलिए मतलब इस वीडियो में मैंने शाउट आउट दिया। तो गाइस अगर आपको भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो गाइस आप इस मतलब जो वीडियो का रहेगा जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका सबसे पहले आंसर देना, तो गाइस आप भी चांस हो सकते हो सबसे पहले मतलब मेरे नेक्स्ट वीडियो के शाउट आउट विनर बनने के लिए। तो गाइस ये जो शाउट आउट का मेरा क्वेश्चन पूछूंगा इसी ना वीडियो का एंडिंग में पूछूंगा, तो गाइस वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते आज का हमारा स्टोरी वीडियो पार्ट टू। जैसे गाइस आपने देखा था पार्ट वन में कि बिल गेट्स ने ग्रैंडपा मैक्स और बैन के दोस्तों को मतलब हरा के पकड़ लिया था, तभी गाइस वहाँ से हिटलर हिट रहती है जो भाग जाती है और गाइस बैन को पूरी बात बता देती है कि उसने उसके ग्रैंडपा और उसके दोस्तों को पकड़ लिया है। तो गाइस ये सब मैंने पार्ट वन में बताया था, तो गाइस पार्ट टू में आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हिटलर हिट की बात सुन के बैन बोलता है हिटलर हिट को कि बिल गेट्स ने मेरे ग्रैंडपा मैक्स और मेरे दोस्तों को पकड़ लिया है, मतलब तो बिल गेट्स तो मेरे हाथ से गया, तो मैं गाइस मैं जा रहा हूँ बिल गेट्स को हराने और अपने दोस्तों और अपने ग्रैंडपा मैक्स को छुड़ाने। तो गाइस बैन की बात सुन के हिटलर हिट बोलती है बैन को कि हम दोनों एक बहुत बड़े प्लान के साथ जाएंगे बिल गेट्स को हराने, नहीं तो बिल गेट्स हम दोनों को एकदम आसानी से हरा देगा। पर गाइस बैन हिटलर हिट की बात नहीं सुनता और वो गाइस जेट रे में ट्रांसफॉर्म होके घर से बाहर निकल जाता है और गाइस बिल गेट्स की टीम लोग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हाँ तो बैन एल्विडो की ओमेट्रिक्स को स्कैन करके वो लोग का पता लगा लेता है और वो बिल गेट्स को आके बोलता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा मैक्स और मेरे दोस्तों को क्यों पकड़ा है, तुम्हें अगर हमला करना था तो तुम मेरे पे हमला करते हो, मेरे पे मतलब अटैक करते, तुमको मतलब मेरे से बदला लेना चाहिए ना कि मेरे ग्रैंडपा मैक्स और मेरे दोस्तों से, ऐसा बैन बोलता है। हाँ तो बैन बोलता है तुम्हारी दुश्मनी मेरे से तो तुम मेरे पर अटैक करो ना कि मेरे ग्रैंडपा मैक्स और मेरे दोस्तों पे। तो गाइस बिल गेट्स बोलता है कि जो जो मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा और वो लोग मेरे रास्ते में आ रहे थे तो इसीलिए मैंने उनको अपने रास्ते से हटा दिया कि तुमसे मैं आसानी से बदला ले पाऊँ। हाँ तो गाइस ये सुन के बैन तुरंत से स्मॉम फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिल गेट्स पे तुरंत अटैक कर देता है। तभी गाइस बैन के पीछे से एल्विडो आता है बिग चीज में ट्रांसफॉर्म होके और गाइस स्मॉम फायर को उधर ही फ्रीज कर देता है और उसको वहाँ पर स्टैचू बना देता है। तभी गाइस जब स्मॉम फायर फ्रीज हो जाता है तभी वहाँ से एक्सलरेट आती है अपने सुपर स्पीड के साथ और गाइस बिल गेट्स और उसकी टीम को मतलब इतने स्पीड दौड़ के टोर्नेडो में फंसा देती है और गाइस वहाँ से बैन को लेके आ जाती है उसके घर पे। तो गाइस जब एक्सलरेट बैन को जब उसके घर पे ले आती है तो बोलती है कि मैंने तुमको मना किया था, तुम अकेले मत जाओ, हम दोनों एक टीम बना के बिल गेट्स की टीम को हराने जाएंगे, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम अकेले चले गए और हम हार गए। तो बैन एक्सलरेट को बोलता है कि तुम सही थी, हमें एक टीम बना के जानी चाहिए ना कि अकेले बिल गेट्स की टीम से फाइट करने। हाँ तो एक्सलरेट बैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है बिल गेट्स की टीम को हराने का। हाँ तो बैन बोलता है भले बिल गेट्स ने ग्वेन और केविन और ग्रैंडपा को कैद कर लिया पर मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तो एक्सलरेट बोलती है क्या है प्लान, जल्दी बताओ प्लान। हाँ तो बैन अपना प्लान एक्सलरेट को बताता है कि एक बार उसने एग्रीगोर से 5 एलियन को मतलब बचाया था तो वो उनके पास जाएगा मदद मांगने। तो गाइस वो एक एक कर करके सभी एलियन के पास जाता है मदद मांगने और सभी उसे एलियन हाँ बोल देते कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे और वो पांचों एलियन के होम वर्ल्ड जाता है उनसे मतलब पूछने कि वो उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पांचों बोलते कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे।
और गाइस बेन एक और जन के पास जाता है मदद मांगने का, तो वो रहता है डार्क स्टार। तो गाइस बेन उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम मेरी मदद करोगे? तो गाइस डार्क स्टार बोलता है मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? तो बेन बोलता है मेरी ओमनीट्रिक्स की कुछ पावर जिसे तुम पहले जैसे ठीक हो सकते हो। तो वो भी गाइस रेडी हो जाता है उसकी मतलब मदद करने के लिए। हाँ, तो ऐसे करके बेन पांचों एलियन और डार्क स्टार को अपनी टीम में ले लेता है। तो गाइस आगे की जो स्टोरी है उसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, मतलब पार्ट 3 में कवर करूँगा। तो गाइस अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो गाइस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पार्ट 3 गाइस भर दो, जिससे मेरे को गाइस पता चले कि आपको पार्ट 3 जल्दी चाहिए। तो गाइस मैं जल्दी से पार्ट 3 मतलब ला दूंगा। और गाइस आपने पार्ट 1 में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो गाइस मैंने काफ़ी जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया। और गाइस मेरा ये जो शाउट आउट क्वेश्चन है गाइस, एक और मैं पूछा हूँ, जैसे कि गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कुछ शाउट आउट विनर थे, तो गाइस इस बार मैं वापस से एक और न्यू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ शाउट आउट के लिए। तो गाइस ये जो स्क्रीन में एलियन शो हो रहा है ये कौन सा एलियन है? तो गाइस अगर आप राइट आंसर बताते हो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो गाइस बताना मत भूलना। तो गाइस अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और इस एलियन का नाम लिखो। और गाइस आपको पार्ट 3 चाहिए तो गाइस जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 गाइस पूरा भर दो, जिससे मैं बहुत जल्दी पार्ट 3 भी ला दूँ। तो गाइस सबसे पहले जाके पार्ट 3 कमेंट करो और गाइस मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो कि कौन सा एलियन है। तो गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में पूछा था लाइक एम, तो गाइस आपने लाइक एम बहुत जल्दी कम्प्लीट कर दिया। तो गाइस मैंने 250 लाइक एम बोला था, तो गाइस आपने बहुत ही जल्दी 250 लाइक कर दिया था। तो गाइस इस वीडियो का भी 250 लाइक एम है, तो गाइस इस वीडियो को भी 250 लाइक कर। और गाइस अगर आप मेरे चैनल न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस इस चैनल में आपको बेन 10 से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो गाइस तब तक के लिए आप मेरे ये सब वीडियोस एंजॉय कर सकते हो जो गाइस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हो।